नमस्कार दोस्तों, मैं देवा चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ठाकुर कैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको समयो डॉग ब्रीड के बारे में, क्योंकि इंडिया में कई लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बहुत से लोग इसको स्पिट्स समझ लेते हैं, बहुत से लोग इसको अलास्कन मेलोमेट समझ लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग र्यूमर्स हैं इंडिया में, और बहुत से लोगों को ये जो पपी की एज में होता है तब भी कन्फ्यूज़न होता है, या सेमी एडल्ट होता है तब भी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मिक्स ब्रीड है या प्योर ब्रीड है। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करें डॉग ब्रीड के ओरिजिन की, तो ज़्यादातर ब्रीडों की तरह जो ऐसी होती हैं जो काफ़ी हैवी कोट कैरी करती हैं, ठंडी जगहों से बिलोंग करती है। जैसे कि ये डॉग की जो ब्रीड है ये भी साइबेरिया से बिलोंग करती है, जैसे कि आपका हस्की हो गया और मेलोमेट हो गया, अलास्कन मेलोमेट, तो ये भी ठंडी जगह से बिलोंग करते हैं इस टाइप के कोट्स की वजह से। बात करें हाइट की, तो जो फीमेल की हाइट होती है वो 19 इंच होती है, 19 इंच से मतलब स्टैंडर्ड हाइट होती है 19 से 21 इंच तक, और मेल की बात करें तो 21 प्लस बाकी 23 इंच तक जो हाइट है वो शो की हाइट है। डॉग शो के स्टैंडर्ड्स पे ये हाइट जो खरी उतरती है। इसके अलावा कई बार डॉग्स इस हाइट से कम भी होते हैं या ओवर हाइटेड भी हो सकते हैं, तो फिलहाल मैं आपको और जो डॉग शो के स्टैंडर्ड हैं उस हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ। बात करें बॉडी वेट की, तो 50 से 60 पाउंड तक जो है इनका वेट जाता है मेल फीमेल का, इसी के बीच में बोले तो अगर केजीज में किलोग्राम्स में बात करें तो लगभग 22 किलो से लेके 27 किलो तक ऐसा जो इनका बॉडी वेट होता है। टेम्परामेंट की बात करें तो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, गार्ड डॉग अच्छे नहीं होते हैं, मतलब ये सिर्फ भौंकते हैं और ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो एक तरीके से बोला जाए तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है और फैमिलियर टाइप की डॉग ब्रीड है, और जो एक तरीके का लैब्राडोर टाइप का टेम्परामेंट होता है इनका, काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। और बात करें इंडिया में रह पाने की या नहीं रह पाने की, जो इनके लिए बेस्ट टेम्परेचर है वो अगर 30 डिग्री से ऊपर जाता है, अगर इंडिया में ज़्यादातर जगहों का 30 डिग्री से ऊपर ही होता है टेम्परेचर, तो इनके लिए बहुत ही गड़बड़ है, तब आपको इनको अंदर ले जाना है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर इनके लिए अच्छा नहीं है, और अगर आपके घर में एसी है तभी इनको आप लें, क्योंकि बिना एसी के काफ़ी दिक्कत होने वाली डॉग को, बिना एसी के रह तो लेगा लेकिन जो सुकून है उस सुकून के साथ में ये डॉग नहीं रह पाएगा। वही चीज़ है ना कि अब जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है ज़िंदा रहने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसी टाइप से जो है डॉग एडजस्ट होके रह पाएगा, बाकी वो उतना खुश नहीं रह पाएगा ऐसे माहौल पर। तो आपके यहाँ अगर एसी नहीं है तो मतलब मेरा मानना है कि आप ये डॉग ब्रीड ना ही रखें तो बेटर है, क्योंकि साइबेरिया का जो टेम्परेचर है आप जानते हो हमेशा बर्फ़ जमी होती है, इनका कोट इतना ज़्यादा होता है, ये समझिए कि अपन लोगों को एक हैवी स्वेटर पहना के और उसके बाद में धूप में खड़ा कर दिया जाए तो वो इनका बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम पे ऐसा कुछ फील कराएगा इनको। तो बात करें अभी 4 महीने 5 महीने में ये लुक्स क्या होते हैं इन पपीज़ के, 4-5 महीने में आप जैसा कि वीडियो में या फोटो में देख सकते हैं कि बाल काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है पपी ग्रो करता है, हाइट भी उसकी बढ़ती है, तो उस टाइम पे जो फर है वो चेंज होता है, कोट चेंज होता है, बाल काफ़ी कम हो जाते हैं, और इस टाइम पे लोगों को लगता है ये मिक्स ब्रीड है या प्योर ब्रीड नहीं है। अभी बात करें टॉम की, तो टॉम के भी बीच में ऐसा 4 महीने का था जब टॉम, तो ऐसी एक कंडीशन आई थी। ज़्यादातर बड़े ब्रीड के जो बड़े बाल वाले जो डॉग्स ब्रीड होती हैं उसमें ये सीन होता है कि एक टाइम पे जब हेयर वो ग्रो कर रहे होते हैं तो कोट काफ़ी ऐसा चेंज करता है कि लगता ही नहीं है आगे चल के कभी इसके बाल वापस दोबारा ऐसे आएंगे या नहीं। तो इसी टाइप्स की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिलहाल बेसिकली इतना ही समझाना था आपको कि ये जो डॉग ब्रीड है इसकी कई सारी मैंने आगे फ़ोटोज़ भी दे रखी हैं, आप ये सब भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा क्या हाइट है, कैसा क्या दिखने में लुक्स कैसे हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर अभी अगर कभी भी आपको लेना हो तो आप आराम से ले लें, आपके लिए लेने में ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। ब्रीड के बारे में सारी जानकारी आप रखें, इंटरनेट पे अच्छे से रिसर्च करें और सारी चीज़ें जानें किसी भी पेट को लेने के पहले, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो या फिर कोई विदेशी नस्ल का कुत्ता हो, दोनों कोई भी चीज़ हो, आप दोनों के बारे में अच्छे से जो है टाइम दें इंटरनेट पे या आसपास के लोगों से पूछें, और जब पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड हो, किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको हो जाए, तभी वो चीज़ घर पे लाएं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।